लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की एक खास न्यूज़ पता है आपको या नहीं? नहीं, बताइए ना। आज हमारे शहर में एक नया मेयर शपथ लेने वाला है। नए कहाँ से कुमार जी, वो तो पुराने ही मेयर है ना मिस्टर त्रिपाठी, वो फिर से शपथ ले रहे हैं? नहीं गीता जी, मिस्टर त्रिपाठी इस बार खुद मेयर नहीं बनकर किसी और को मेयर बना रहे हैं। अच्छा, किसे? सोचिए, अब उनके बाद इस शहर में ऐसा कौन है जो मेयर बन सकता है, बताइए। कुमार जी, I'm very bad at guessing. आप बताइए ना। हालांकि मैं अपने मुंह से बताना नहीं चाहता था, चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे शहर के नए मेयर का नाम है मिस्टर कुमार रंजन। What? Now congratulate me. कुमार जी आप? Oh, that's great news. मिस्टर त्रिपाठी और मेरी पार्टी के लोग मुझे जबरदस्ती मेयर बना रहे हैं। कल रात जब आपको घर छोड़ने के बाद मैं अपने घर वापस लौटा, तब मुझे इस बात का पता चला। और तो और, आज ही शपथ ग्रहण समारोह भी है टाउन हॉल में। आप आ रही हैं ना? मैं आज ही है क्या? हाँ, बस 2 घंटे बाद आप आएंगी ना? अब हाँ, आ जाऊंगी। अरे हाँ, आपने कल गंगाधर जी से कहा था ना ऑफिस में आने को, वो आपके ऑफिस आए थे? नहीं, वो शायद आ ही रहे होंगे। तो उन्हें भी आप अपने साथ ले आएगा, ठीक है? अच्छा, मैं उन्हें ले आऊंगी। वैसे गीता जी, आपने मुझे अभी तक कांग्रेचुलेट नहीं किया। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर कुमार, कांग्रेचुलेशंस। अब मैं सबको गर्व से कहूंगी कि शहर का मेयर मिस्टर कुमार रंजन मेरा दोस्त है। हाँ दोस्तों, आज वक्त आ गया है भीष्म पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित शक्तिमान की कॉमिक्स की रिलीज का। भीष्म पब्लिकेशन परिवार की ओर से मेरी श्री कुमार रंजन जी से प्रार्थना है कि वो मंच पर आए और आशीर्वचन के रूप में इस मंच पर रखे दीपक को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आइए। अब मेरा श्री कुमार रंजन जी से अनुरोध है कि अपने आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें।
माफ करना सुधांशु जी, माफ करना। शक्तिमान के नन्हे मुन्ने दोस्तों, देवियों और सज्जनों, हाथ मत लगाओ। और अगर यहां कहीं शक्तिमान भी है तो वो भी सुन ले भाई। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि शक्तिमान का कोई ठिकाना तो है नहीं, वो कब कहां कौन से रूप में मौजूद है ये कोई नहीं बता सकता। और वैसे भी आज शक्तिमान की कॉमिक्स का उद्घाटन है, तो हो सकता है कि वो यहीं कहीं आप लोगों के बीच में बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहा हो। खैर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भीष्म पब्लिकेशंस ने मुझे यह सम्मान दिया है। इसके लिए मैं भीष्म पब्लिकेशंस का, आप लोगों का और खास तौर से गीता विश्वास जी का आभारी हूं। डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? डोंट वरी, यू आर ऑल राइट। तुम बिल्कुल ठीक हो, घबराने की कोई बात नहीं है, बस तुम्हारी याददाश्त चली गई है, वो भी जल्दी लौट आएगी। हेलो डॉक्टर। अरे मेयर साहब, आप? गीता, ये हैं हमारे शहर के मेयर साहब और इस हॉस्पिटल के ओनर मिस्टर कुमार रंजन। आप वही है ना जो मुझे बेहोशी की हालत में सड़क से यहाँ लेकर आए थे? जी हाँ, जब मैंने आपको पहले देखा था तो बिल्कुल घबरा गया था, पर शुक्र है कि आपको कोई चोट वगैरह नहीं आई। पर याददाश्त तो चली गई ना? अब एक्सक्यूज मी, आप लोग बातें कीजिए, मैं जाता हूँ। डॉक्टर बता रहे थे कि इससे पहले भी मेरी याददाश्त गई हुई थी। जी हाँ, इससे पहले भी आपकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन फिर बाद में आप ठीक होने लगी थी। कम से कम दोबारा से आप सबको जानने और पहचानने लगी थी, लेकिन आज फिर से आपने सब कुछ भुला दिया। गीता जी, आप चिंता ना करें, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी याददाश्त लौट आएगी। जब से मैंने ये सुना है गीता जी, तब से ऊपर वाले से दुआ मांग रहा हूं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। हम आपके पुराने दोस्तों में से हैं गीता जी, और दोस्तों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। मेयर साहब, क्या बात है? आपने याद दिलाने को कहा था कि यहाँ से जाने से पहले आप सबकी सैलरी की चेक साइन करना चाहते हैं। ओह यस, हाँ मुझे याद है। और हाँ, वो कुछ ऑर्फनेज के लोग आने वाले थे डोनेशन के लिए। ठीक है, मैं अभी अकाउंट्स में आता हूँ। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे? ठीक है। ठीक है नहीं, आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप टेंशन नहीं लेंगे। हाँ। हाथ मिलाइए, हाथ मिलाकर मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। कम ऑन। ये हुई ना बात। लेकिन अगर मेरी याददाश्त कभी वापस नहीं आई तो? अरे, आप फिर टेंशन लेने लगी? नहीं नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या करूंगी मैं? तो चलिए, हम भी आपसे एक प्रॉमिस करते हैं। कैसा प्रॉमिस? हम आपसे प्रॉमिस करते हैं गीता जी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम भी अपने साथ कुछ ऐसा कर लेंगे कि हमारी भी याददाश्त चली जाए। हम आपको दुखी नहीं देख सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए, कम से कम आपको ऐसा तो लगेगा कि याददाश्त खोने वाली आप अकेली नहीं है। आप आराम कीजिए, फिर आऊंगा। बाय। बिल्कुल घमंड नहीं है। अरे कुमार जी, अपनी डायरी यही भूल गए। ओह,
ये तो मेरी फोटो है। गीता, मेरे दिल की धड़कन, मेरे सपनों की रानी। प्यार क्या होता है ये मैंने गीता को देखने के बाद ही जाना। पता नहीं क्या है उसकी आंखों में, लगता है बस सामने बैठी वो मुझे देखती रहे, मैं उसे देखता रहूं। ये सब उन्होंने मेरे बारे में क्यों लिखा है? हर एक पन्ने पर मेरा ही नाम लिखा है। क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? गीता जी, क्या सोच रही हो? जी, वो मैं। गीता, अब तुम्हारी, मेरा मतलब है आपकी तबीयत कैसी है? आप मुझे तुम कह सकते हो। ठीक है, मगर तुम भी मुझे आप नहीं, तुम कहोगी। खैर, ये बताओ कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे यहाँ। कोई भी तो नहीं है यहाँ, एकदम अकेली हूं मैं। अकेली कैसे? मैं हूं ना यहां तुम्हारे साथ। तुम भी हमेशा कहां रहते हो? बस आते हो और फिर चले जाते हो। तो तुम ये चाहती हो कि मैं हमेशा यहां रहूं? लेकिन डॉक्टर नहीं रहने देगा ना। अरे हाँ, मेरी यहां एक डायरी छूट गई थी, तुम्हें मिली? डायरी? नहीं तो। क्या सोच रहे हो, बहुत जरूरी डायरी थी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैंने कहीं और रख दिया। खैर, अब मैं चलता हूं, तुम आराम करो। प्यार करता है मुझसे, लेकिन कितनी शालीनता है। बहुत ही कम लोग होंगे आज इस दुनिया में ऐसा प्यार करने वाले। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी डायरी आपके पास? सच सच बताइए गीता जी, आपने कुछ पढ़ा तो नहीं ना? पढ़ा। क्या कमाल है, इसमें सब कुछ मेरे लिए लिखा है और आप इसे मुझे से छुपा रहे थे? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। आपको बुरा तो नहीं लगा? आपको क्या लगता है मुझे कैसे लगा होगा? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? प्रेम करना कोई बुरी बात थोड़ी है, किसी को प्यार करने में कोई दोष नहीं। इसका मतलब मैं ये समझो कि आप भी। अगर मेरी याददाश्त नहीं गई होती तो शायद मैं फौरन हाँ कह देती, लेकिन अभी। अभी क्या गीता जी, याददाश्त का रिश्ता तो दिमाग से है और चाहत का रिश्ता दिल से। देखिए, मुझे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप मुझे चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरी याददाश्त जाने से पहले मैं किसी और को चाहती हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। नहीं, ऐसा हुआ था, तुम जिसको चाहती थी वो तुम्हें नहीं चाहता। क्या? हाँ गीता, तुम तो उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उससे सगाई करने के लिए उसके घर तक पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसे सबके सामने बड़ी बेरुखी से तुम्हें ठुकरा दिया।
और उस सदमे के बाद ही तुम मुझे सड़क के किनारे बेहोश पड़े मिले थे। लेकिन वो है कौन? उसका नाम है गंगाधर। उसका नाम गंगाधर। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो शक्तिमान आज तक लोगों के दिलों पर हीरो बनकर राज करता था, आज उसी शक्तिमान ने सभी के दिलों को तोड़ दिया। सच्चाई और नेकी के पथ पर चलने वाला शक्तिमान आज देशद्रोही बन गया है। शक्तिमान इतना नीचे गिर जाएगा कि दूसरे ग्रहवासियों के कारण वो अपने ही देश से गद्दारी करेगा, और अपने देश से गद्दारी करने वाला इंसान देशद्रोही होता है, जिसे हम कभी माफ नहीं कर सकते। शक्तिमान बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा, इसलिए उसके खिलाफ अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट इश्यू कर दिया है। ताज्जुब की बात है, कानून के जिस झूठे दाव पेज में तुम शक्तिमान को फंसाना चाहते थे, आज कानून के उसी दाव पेज में तुम फंस कर रह गए हो, और अब वही कानून तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। लेकिन एक सजा है जो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें दूंगी। अच्छा किया। ये तो सिर्फ शुरुआत है मिस्टर मेयर। एक बार हवाला चलो, खातिरदारी क्या होती है ये तुम्हें मैं बताऊंगा। आई एम सो सॉरी शक्तिमान। इट्स ऑल राइट इंस्पेक्टर, ऐसा होता रहता है। अफसोस है शक्तिमान कि तुम्हें इन सब से गुजरना पड़ा। नहीं कमिश्नर साहब, मैं समझता हूं उल्टा अच्छा ही हुआ। इसे कम से कम यह तो साबित हो गया कि कानून कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं देता। साहिब की कहानी और उसका आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कमिश्नर साहब, शक्तिमान का निर्माण ही हुआ है समाज की रक्षा करने के लिए, और मैं आखिरी सांस तक समाज की रक्षा करता रहूंगा। चलो मिस्टर सबकर और शीना, आप दोनों को अंतरिक्ष छोड़ देता हूं, चलता हूं।